वफा है यहाँ है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता। मम्मी मेरा फ्रेंच टोस्ट खाने का दिल चाह रहा है। शहर से कह दो बना के दे देगी। पर मुझे आपके हाथ का बना हुआ खाना। तुम्हारे लिए मुझे कुछ नहीं करना है। कॉल तो रिसीव कर लीजिए। अब जिन लोगों से मुझे रिश्ता नहीं रखना ना, उनसे बात करने का क्या फायदा? मम्मी प्लीज ऐसी बात नहीं कीजिए ना। तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। और कितने इंसल्ट कराओगे अपनी माँ की तुम? ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। गलत फहमी या खुश फहमी, इन दोनों को ही खत्म कर देती हूँ मैं आज। मैं आज ही तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स बनवाकर साइन करवाऊंगी, ताकि ये किस्सा आज ही खत्म हो जाए। और उसके बाद मैं सारा बिजनेस तुम्हारे नाम करके दुबई शिफ्ट हो जाऊंगी। और हाँ, ये मत समझना कि मैं कोई मजाक कर रही हूं, मैं बहुत सीरियस हूं और मैंने फैसला कर लिया। मम्मी मैंने कब कहा है कि मैं ये निकाह नहीं रखना चाहता हूं? बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो कुछ भी हुआ है बहुत अचानक हुआ है और मैं मेंटली डिस्टर्ब हूं। अम्मी मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है, मुझे आपकी खुशी बहुत अजीज है और अपना वादा भी जो मैंने आपसे किया है। कैसी चल रही है तुम्हारी शॉपिंग? बहुत जबरदस्त बाबा। बस एक वेडिंग रिंग रह गई है, उसके लिए आज हम लोग जाएंगे ज्वेलर के पास। नहीं, उसके लिए मैं और उमेश आ जाएंगे। उमेश ने अपनी शॉपिंग भी करनी है। क्यों? शादी तो मेरी हो रही और रिंग मेरे फियांसे के लिए ली जा रही है ना, तो मेरी पसंद से ही ली जाएगी, किसी और की पसंद से नहीं। मेरा ख्याल है युसरा ठीक कह रही है, रिंग युसरा और नदीम की पसंद की होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि कुछ खुशियां और कुछ पसंद वालदेन की भी होनी चाहिए। यह हक उनसे उनकी औलाद नहीं छीन सकती। ये बताओ कि हमदान की शॉपिंग कब से शुरू कर रहे हो? हमदान की शादी का फैसला मैंने अभी पोस्टपोन कर दिया है। हमदान की बातों से तो ऐसा लगता है कि ये इस रिश्ते को बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है। शायद इसका दिल किसी और को पसंद करता है।
इंसान की जिंदगी में तुम इंटरफेयर ना ही करो तो अच्छा। बाबा, आप आंटी से इस तरह बात नहीं कर सकते। वो इस घर की फर्द हैं, हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। इस घर को संभाला हुआ है उन्होंने। नहीं बेटा, ये सिर्फ तुम्हें संभालती है, इस घर को नहीं। उसके लिए मैं इनका बहुत मशकूर, थैंक यू सो मच। और हमदान के मामले में मैं किसी की भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। कौन कौन है भाई? देखें, अगर आप मुझे तंग करने के लिए मुझे बार बार फोन कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत करें। और अगर मुझसे कोई काम है तो प्लीज मुझे जल्दी बता दें, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं भी तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। फिर मुझे फोन कर लिया और वो भी अननोन नंबर से ताकि मैं फोन उठा लूं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती मेरी बात? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही कोई ताल्लुक रखना है, इसलिए मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक किया था। मैं जानता हूं, सब जानता हूं कि सारा कसूर मेरा है, सारा जुर्म मेरा है। सब जानता हूं अनुष, इसलिए तो कह रहा हूं सिर्फ मुझे एक मौका दे दो सफाई का। चलो, तुम्हारी सफाई लिए बगैर मैंने तुम्हें बेकसूर मान लिया। सारा कसूर और सारा गुनाह मेरा। अब खुश? प्लीज ऐसा मत कहो, सारा जुर्म मेरा है। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अब खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो और मैं अजनबियों से बात करना पसंद नहीं करती। और हाँ, मैं तुम्हारा ये नंबर ही ब्लॉक कर रही हूँ। अनुषा, हेलो, हेलो अनुषा। Thank you.
ये था तुम्हारे लिए सरप्राइज। मैंने सोचा इस खुशी के मौके पर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को यहाँ पर होना चाहिए। मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। इतने गुमसुम क्यों हो गए हो? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि इमीडिएट फैमिली के अलावा भी हमारे जानने वाले आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वाकई में मैं सरप्राइज हो गया। अच्छे फ्रेंड भी जो है वो फैमिली की तरह होते हैं। I'm so sorry, मैं आपको मुबारकबाद देना तो भूल ही गई। अंकल ने बताया मुझे नूर और आपके रिश्ते के बारे में। बहुत अच्छी लड़की है। कांग्रेचुलेशंस अंकल। नूर बानो वाला क्या? तो तुम्हें पता चल गया। एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। मैं सोच रहा हूं कि युसरा के साथ साथ अब तुम्हारी भी शादी कर दो। सॉरी, बहुत ट्रैफिक था इसलिए मैं लेट हो गई। इट्स ऑल राइट। पता है मैं कब से तुम्हारी इस कॉल का वेट कर रही थी कि तुम मुझे कब स्पेशली मिलने के लिए बुलाओगे। यू नो, शादी से पहले मिलने का चार्म ज्यादा होता है ना? लग तो नहीं रहा, इतना सड़ा हुआ मुंह बनाया हुआ है तुमने। आई एम सुपर एक्साइटेड अपने न्यू रिश्ते को लेकर। पता है जब ये सब कुछ हो रहा था हमारे पेरेंट्स के दरमियान एंगेजमेंट, तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी। मैं सोच रही थी कि तुमसे बात करूं, इनफैक्ट मैं तुम्हें कॉल भी करना चाह रही थी, बट मुझे मेरे पापा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे फादर तुम्हें सरप्राइज देना चाहते हैं, सो दैट्स व्हाई मैं खामोश रही। प्राइस तो बाबा ने मुझे किया। लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम समझ रही हो। क्या मतलब? एक्चुअली मैं किसी और को पसंद करता हूँ और किसी और के साथ कमिटेड। बाबा को ये बात नहीं पता और उन्हें गलत फहमी हुई कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। और उन्होंने मुझे सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे बाबा से जाके बात कर दी हमारे बारे में, जबकि मैं जानता हूँ कि सब जानने के बाद तुम हर्ट हुई होगी, लेकिन सब अनजाने में हुआ है, ये मैंने जान के नहीं किया। आई एम सॉरी।
मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं इस दोस्ती को खोना नहीं चाहता, पर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। यू नो, एंगेजमेंट तक तो बात ठीक थी, मगर मैं भी अभी ये शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रही थी। वो तो डैड को ऐसा लगा कि मेरी शादी कर देंगे तो मुझे यहाँ रोक लेंगे। पता है, मैं पाकिस्तान में रहने ही नहीं चाहती, बाहर वापस चले जाती, और अगर हमारी शादी हो जाती तो फिर मैं तुमसे कहती, जिद करती कि मेरे साथ बाहर सेटल हो, तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम होती। सो अच्छा हुआ ये सब यहीं ख़त्म हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। You sure ना? Yes, yes. तुम कितने स्टूपिड हो ना, कब से मुझे भूखा बिठाया हुआ है यहाँ पे, कुछ ऑर्डर भी करोगे या मुझे भूखा भेजना है? बहुत भूख लग रही है। I'm so sorry. आंटी, अगर हारिस बिजी था तो आप मुझे बता देती, मैं बाद में आ जाती। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, उसी ने मुझे कहा था इनफैक्ट कि तुम्हें कॉल करके बुला लूं। अच्छा? हाँ, वो एक्चुअली आज मैं उसकी पसंद का लंच बना रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि मैं कॉल करूं तुम्हें, सब लोग साथ ही लंच करेंगे। Really? लेकिन बेटा अचानक से उसके दोस्त का फोन आ गया, उसकी अम्मी की डेथ हो गई थी, इस वजह से हारिस को जल्दी जाना पड़ा, वरना वो घर पर ही था। कोई बात नहीं आंटी, आप तो है ना, और मुझे आपकी कंपनी भी बहुत अच्छी लगती है। वैसे हैरत की बात है भाई, आजकल की लड़कियां तो अपनी सास से जरा कतराई रहती हैं। ये पहली लड़की है जो सास के साथ खुश है। मगर मैं ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ, आपको पता है मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी मम्मी है, और अब तो मैं उनसे दूर होने वाली हूँ, तो एक दोस्त की जरूरत तो शदीद रहेगी। क्या आप मेरी दोस्त बनना पसंद करेंगी? अब क्यों नहीं बेटा, जरूर, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे एक दोस्त भी मिल जाएगी और बेटी भी। That's great. अच्छा आंटी, हम लंच के बाद शॉपिंग पे चलते हैं, एक्चुअली मुझे अपनी कुछ चीजें लेनी है, और मम्मी को लेने अगर घर गई ना तो बहुत देर हो जाएगी और मैं अकेले शॉपिंग नहीं कर सकती। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं साथ चलूंगी। अच्छा ऐसा ना करें कि पहले लंच कर ले, उसके बाद चलते हैं शॉपिंग पे। डन, मैं लंच लगवाती हूँ। ठीक। फैसला किया है कि नेक्स्ट वीक मैं अमेरिका वापस चला जाऊंगा। और जाने से पहले रूही के साथ शादी करूंगा।
ये था तुम्हारे लिए सरप्राइज। मैंने सोचा इस खुशी के मौके पर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को यहाँ पर होना चाहिए। मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। इतने गुमसुम क्यों हो गए हो? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि इमीडिएट फैमिली के अलावा भी हमारे जानने वाले आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वाकई में मैं सरप्राइज हो गया। अच्छे फ्रेंड भी जो है वो फैमिली की तरह होते हैं। नूर मेरी होने वाली बहू है, हमदान की और इसकी एंगेजमेंट होने वाली है। शादी नहीं करनी? हाँ करनी है, लेकिन अभी पसंद से। और वो पसंद की लड़की कहाँ है? गुड क्वेश्चन। ये कह सकती हो कि वो मेरे बहुत करीब भी है लेकिन मुझसे दूर। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें लगता है कि कोई लड़की मुझे रिजेक्ट करेगी? बाबा आपने अच्छा नहीं किया, सिर्फ आपकी वजह से नूर हर्ट हुई। हाँ हाँ, मैं बस उसकी तरफ जा रहा हूं, तो मुझे पिन लोकेशन भेजें। हाँ हाँ, बात हुई है, उसका नंबर अभी ऑन है, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी। ओके ओके। अनुषा, अभी तक गुस्सा? खैर मुझे तो आदत है तुम्हारे इस गुस्से की। बकवास बंद करो, और तुम जो मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अनुषा मैं हमदान, हमदान ओ, तो तुम फिर आ गए। बताएं कि हमारी मंगनी हो चुकी।
और बहुत जल्द शादी होने वाली है। सुन लिया तुमने? अब समझ आई या किसी और तरीके से तुम्हें समझाऊं? अगर तुम्हें मना किया था ना कि तुम मुझे अनुषे के करीब मत नजर आना। मेरा रिश्ता रह चुका है इससे। रह चुका था और मैं जानता हूं कि कितना कमजोर रिश्ता था। तुम्हारी बेगैरती भी मैं देख चुका हूं जो तुमने इसके साथ की थी। Now get lost from here. समझ आई थी? अनुषा तुम्हारी गाड़ी ड्राइवर ले आएगा। आ जाओ चल। क्या बोलूंगा उस्मान से? यकीनन वो मंगनी की डेट के बारे में ही बात करेगा, पर हमदान तो ऑलरेडी इनकार कर चुका है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है उस्मान? यार फारूक, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। यार एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या क्या हुआ? सब खैरियत तो है? नूर की कॉल आई है उसके ऑफिस से। हाँ हाँ तो? तुम तो जानते हो अमेरिका की एक बहुत बड़ी फर्म में जॉब करती है। हाँ मगर तुमने तो कहा था कि उसने रिजाइन कर दिया है। कहा तो था यार, लेकिन वो कह रही है कि उसका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया उन लोगों ने। असल में उसने इस कंपनी से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और ये बात उसने मुझे अभी बताई है, और अगर फिर भी वो जॉब से रिजाइन करती है तो उसको काफी बड़ा फाइन देना पड़ेगा जो कि लाखों डॉलर में होगा। ओ इसलिए यार मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, शादी नहीं हो सकती, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिन, नॉट एट ऑल यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम? पर वैसे भी मेरा ख्याल है कि नूर के पास इनकार करने के लिए एक सॉलिड रीजन है। तुम्हें शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर होता वही है जो कि सुर में लिखा, शायद अल्लाह की ही रजा है। कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे शर्मिंदगी से बचा लिया। बताएं कि हमारी मंगनी हो चुकी,
और बहुत जल्द शादी होने वाली। I'm sorry. किस बात की? वो आपके मना करने के बावजूद वो मुझे काफी दिनों से तंग कर रहा था। उससे पीछा छुड़वाने के लिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैंने अनुषा तुमने जो कहा ना वो बिल्कुल ठीक कहा और सच कहा। उसमें सॉरी की कौन सी बात, और वैसे भी मैं तो आज खुद तुम्हारे पास यही बात करने आया था। जी हाँ अनुषा, मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम चाहती हो और जो तुम कह रही हो, और मैं मानता हूँ कि मुखालफत की दीवार जो है वो बहुत बहुत ऊंची है, लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन है। मैं जानता हूँ कि मैं एक ना एक दिन इससे गिरा दूँ। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। साथ दोगे? नहीं जानती, जाओ यहां से, अपनी शक्ल मेरे सामने से हटा, क्योंकि मुझे तुम्हारे वजूद से शदीद नफरत है। तुम्हारी ये आवाज है ना, ये इस वक्त मुझे जहर लग रही है। अगर आइंदा मेरे सामने आए ना तो इससे भी बुरा पेश आऊंगी। कमजोर तो तुम हो, एक कमजोर इंसान। लड़कियों का पीछा करना छोड़ दो। तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रही हो ना, उससे मेरा रिश्ता रह चुका था, और जैसे खत्म हुआ वो भी बहुत अच्छी तरीके से जाना था। कैसे खत्म? मुझे बताओ मत क्या कर। तुम बाज नहीं आओगे? मुझे ना तुम्हारी शक्ल देखनी और ना ही तुमसे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, समझ आई? जिस दिन मेरे बाबा का अंतकाल हुआ था तुम भी उसी दिन मर गए थे, और मरे हुए लोगों की ना क्लैरिफिकेशन ली जाती और ना ही दी जाती। कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी और ना ही कोई ताल्लुक रखना है, इसलिए मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक किया हुआ है। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, अब खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि अब तुम मेरे लिए सिर पे कष्ट नहीं, और मैं अजनबियों से बात करना पसंद नहीं करती। बकवास बंद करो, और तुम जो मेरा ये पीछा कर रहे हो मुझे लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। Thank you.
बताएं कि हमारी मंगनी हो चुकी और बहुत जल्द शादी होने वाली। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मुझे अनुषे के करीब मत नजर आना। मेरा रिश्ता रह चुका है इससे। रह चुका था और मैं जानता हूं कि कितना कमजोर रिश्ता था, और तुम्हारी बेगैरती भी मैं देख चुका जो तुमने इसके साथ की थी। वैसे वो चालाक लड़की ना अभी तक अपनी जिंदगी में सेट हो गई होगी, और तुमने खामखा उसको अपनी जिंदगी का रोग बना लिया। तेरे दिल